आम आदमी पार्टी के 20 अयोग्य विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। चुनाव आयोग के विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई करने का दिया निर्देश। किसानों के मुद्दे पर अन्ना हजारे ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। सरकार पर लगाया असंवेदनशीलता का आरोप। कहा सरकार ने 42 चिट्ठियों का नहीं दिया कोई जवाब। सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी की नई मुहिम। पार्टी प्रवक्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने जारी किया पोस्टर। पोस्टर में लिखा है सबसे बड़ा झूठ बोलने को मिलेगा केजरीवाल। नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा भागने में कामयाब। प्रतिला पुष्टा पर देर रात हुई मुठभेड़। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से देसी रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की है। मुठभेड़ की सूचना मिलने पर एसएसपी ने अस्पताल जाकर घायल बदमाश से पूछताछ की। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। लूटपाट के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एसबीआई बैंक की लापरवाही से आईटीबीपी के कांस्टेबल के अकाउंट में आए 99 करोड़ रुपए से अधिक की रकम। भारी भरकम रकम आने से कांस्टेबल परेशान। दोष बैंक कर्मचारी पर चाहता है कार्रवाई। नोएडा की 9वीं की छात्रा के सुसाइड मामले में एलकॉन पब्लिक स्कूल के बाहर अभिभावकों ने दिया प्रदर्शन। आरोपी शिक्षकों की गिरफ्तारी और स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग। पुलिस पड़ताल के लिए स्कूल पहुंची। पानीपत में विजिलेंस की टीम ने कृषि विभाग के 2 कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। किसानों को सब्सिडी के पैसे देने की एवज में मांगा था 5,000 रुपये की रिश्वत। पानी की टंकी से कूदकर खुदकुशी करने वाले गुरबख्श सिंह खालसा का अभी नहीं होगा अंतिम संस्कार। 2 दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े सिख समुदाय के। अम्बाला में एक कलयुगी मौसा की करतूत सामने आई है। आरोपी मौसा ने अपनी नाबालिग भतीजी को गर्भवती कर दिया। शहजादपुर स्थित जंगू माजरा गांव का मामला है। लड़की की मौसी की भी आप बेटी नहीं सुनी। गोहाना में ग्रामीणों ने की मजमुओं की पिटाई। पेपर देकर लौट रही खसका गांव की छात्रा से कुछ लड़कों ने की थी छेड़छाड़ की कोशिश और पीछे से आ रहे गांव के व्यक्ति ने लड़कों को पकड़कर उनकी पिटाई करवा दी और घटना का वीडियो वायरल हो गया है। अम्बाला में बैंक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। खाते में 1,93,000 करोड़ रुपए की बजाय 1,93,000 यूएस डॉलर अमेरिका में बैठे एनआरआई के खाते में डाल दिए। इंडियन बैंक की इस लापरवाही से लगभग 1,25,00,000 रुपए की चपत बैंक को लगी। पानीपत की देवी मूर्ति कॉलोनी में एक घर में डकैती हुई है। बंधक बनाकर लाखों की नकदी और ज्वेलरी लूट ली गई। विरोध करने पर बाप बेटे को घायल कर दिया गया। नूह में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई है। ट्राले के नीचे फुसलकर हुई महिला की मौत। बाइक गिरने से सड़क पर गिरी थी महिला। तावड़ू मार्ग पर शाहपुर नगली मोड़ के पास हादसा। केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जींद में अधिकारियों के साथ बैठक की है। विकास की योजनाओं की फाइल तैयार कर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के पास भेजने का आदेश दिया है। फंड आने से विकास कार्यों में तेजी आएगी। गोहाना नगर परिषद की हाउसिंग मीटिंग में 3 करोड़ के बजट पास हुए हैं। शहर में लाइटों और सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठे। मीटिंग में पार्षदों ने वार्डों में विकास न करवाए जाने का मुद्दा उठाया है। पार्षदों ने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। फतेहाबाद के एक गांव में लड़की से रेप हुआ है। पिता के विरोध करने के बाद पीड़िता को आरोपी ने रिश्तेदारों की मदद से उठाने की कोशिश की है। गांव वालों की मदद से आरोपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। पिता की शिकायत पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार होने का भरोसा दिया है। पीड़ित के पिता के मुताबिक आरोपी लंबे समय से उसकी नाबालिग बेटी पर दबाव बनाकर रेप करता आ रहा है। अम्बाला में लघु उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में उद्योगपतियों ने सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और सरकार के सामने उनके सामने आने वाली समस्याओं को भी रखा है। साथ ही सरकार ने उद्योगपतियों के प्रति सरकार से साफ नजरिए की बात कही।
करनाल में शहीदी दिवस पर निकाली गई बाइक रैली, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया है, उनके नक्श कदम पर चलने वालों का संदेश दिया गया है। शहीद दिवस पर निकाली गई बाइक रैली में गुरुद्वारा डेरा कार सेवा शुरू की गई है और रैली शहर के विभिन्न भागों से होते हुए एक निजी कॉलेज में खत्म। हरियाणा के गुरुग्राम में गैस कंपनी से करोड़ों का गैस सिलेंडर चोरी हो गया है। गार्ड की मिलीभगत से 800 सिलेंडर चोरी हुए हैं। दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।